सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा बचपन, उसके अभ्यास प्रश्नों को हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो बेटा, हमने कक्षा में भी इन प्रश्नों का उत्तर समझा, विचार विमर्श किया। फिर से एक बार समझते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए और सुनिए भी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। अगला प्रश्न, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ये लेखिका का कथन था, और यह कहकर लेखिका क्या बताती है, इस कथन के माध्यम से आप क्या समझ पाए हैं, आपको इसको लिखना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज यानी आधुनिक समय में, तो उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने के लिए मिलते हैं। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी, समोसा और पेटीज़ में बदल गया है। शहतूत, खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शरबतों ने ले ली है, जिसे आप क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो लेखिका है वो पहले समय की तुलना आधुनिक समय से, आज के समय से कर रही हैं। अगला प्रश्न, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो पाठ में भी आपने पढ़ा, तो आइए इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मे लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि क्या क्या कहते थे, ये आपको लिखना है कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ऐसा कहकर वह लेखिका को चिढ़ाया करते थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण मज़ा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह शहतूत और खसखस का शरबत भी पीती थी। और किसका शरबत पीती थी, फालसे का। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि उन्हें बचपन में
किन किन चीज़ों को खाने में मज़ा आता था। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।